हेलो मेकअप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो मेरे हैशटैग ब्राइडल लुक सीरीज का सेकंड वीडियो है। एंड आज है बंगाली ब्राइडल मेक ओवर का ट्यूटोरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप स्टार्ट करने के पहले लिप्स एंड फेस को हाइड्रेट कर लो। मैं यहाँ VLCC की लिप बाम की हेल्प से लिप्स को एंड गुड वाइब्स के मिस्ट की हेल्प से फेस को हाइड्रेट कर रही हूँ। सो स्किन हेल्दी रहेगा। एंड देन मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे मामा अर्थ का ये मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। एंड हाँ, मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेकअप के पहले। मॉइस्चराइजर के बाद मैं डायरेक्ट आती हूँ आईब्रोज पे। आईब्रोज के लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ मार्श का। एंड आईब्रोज के लिए याद रखें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा फिल ना हो ताकि वो नेचुरल लुक दे। एंड स्पूली की हेल्प से कॉम कर लूँगी मैं आईब्रो को। देन दोनों आईब्रो शेप करने के बाद किसी भी एक कंसीलर का हेल्प लेना है। एंड इस तरीके से फ्लैट ब्रश की हेल्प से आईब्रोज के एजेस पे अप्लाई करना है। साथ साथ आईलिड पे भी अप्लाई करेंगे पूरा सब। आईलिड पे यूज करने पे ये एज अ प्राइमर हेल्प करेगा, या बोल सकते हैं आई शैडोज के लिए ये एक बेस रेडी कर दिया है। एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, सो दैट आईब्रोज भी शार्प हो जाएंगे, एजेस बिल्कुल शार्प दिखेंगे। एंड इसे आपको पैक करना होगा। पैक करने के लिए आप कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर ले। एंड देन यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं एक हाइलाइटर ले रही हूँ एंड आईब्रो बोन पे अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड आईज के इनर कॉर्नर पे टियर डक बोल सकते हैं आप, वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं ये दो पिंक शेड ले रही हूँ, लाइट एंड डार्क। एंड इस तरीके से क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड ये बिल्कुल इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है आई क्रीज के शेप पे। एंड उसे मैं हल्के हाथों से ब्लेंड भी कर लूंगी। इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर तक पूरे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी सेम पिंक शेड के साथ। ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं फिर से पिंक शेड को अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा डार्कर शेड से, थोड़ा सा डार्क शेड बना रही हूँ इसे मैं ज़्यादा अप्लाई करके आउटर कॉर्नर पे। एंड देन ये मैं पर्पल का दो शेड ले रही हूँ, डार्क एंड एक लाइट। एंड उसे मैं इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे आईलिड के अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड फिर उसे मैं क्रीज पर ब्लेंड भी कर दूंगी। एंड जो भी एक्सेस प्रोडक्ट्स गिरे हुए हैं उसे डस्ट आउट कर लेंगे कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। एंड देन ये डार्कर शेड लूंगी पर्पल का। एंड देन अगेन मैं उसे आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी आईज के। देन फिर से कंसीलर की हेल्प से मैं यहाँ पे मैं मिडिल कट क्रीज बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ये फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही एंड से ड्राई होने देंगे। दोनों आंखों पे अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर या कोई भी पाउडर जिससे ये भी थोड़ा पैक हो जाए ताकि ड्राई होने में से हेल्प हो जाए। एंड अगेन वो पर्पल शेड से मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी जिससे ये कट क्रीज जो है मिडिल का ये एक लाइन पे आ जाए। एंड देन एक शिमर शेड ले रही हूँ मैं एंड उसे मिडिल कट क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड आई शेडो ग्लिटर को मैं अप्लाई करूंगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, यहाँ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं रोज के अपडेट्स के लिए। सो मैं यहाँ स्टे क्वर्की का ये प्राइमर अप्लाई करूंगी। टी जोन पे ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ बिकॉज इनका जो टी जोन है वो ज़्यादा ऑयली रहता है एंड यहाँ पोर ज़्यादा ओपन होते हैं। कुछ ऑरेंज शेड एंड कंसीलर को मिक्स करके मैं यहाँ पे अप्लाई करी जिससे इनका पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स भी कवर अप हो जाए। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर से एज यूजुअल ब्लेंड कर लूंगी। एंड इसे भी पैक करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप बिकॉज इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई होगा तो सो दैट ये अपनी जगह से नहीं ले। एंड यहाँ पे मैंने एक होम मेड इल्यूमिनेटर अप्लाई कर रही हूँ उनके फेस पे, खासकर जहाँ जहाँ हिल्स है फेस के, दैट्स मीन जो हाईलाइटिंग पार्ट्स है वहाँ मैं ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन ये मैं मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, ठीक इन्हीं के शेड का है। ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्कुल ही अच्छे से अप्लाई करना है पूरे फेस पे, साथ साथ में नेक पे भी। एंड ये बिल्कुल ही फुल कवरेज देगा।
फाउंडेशन अप्लाई होने के बाद वेट एंड वाइल्ड का मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अंडर आई एरिया में अप्लाई किया मैंने मिडिल ऑफ फोरहेड एंड मिडिल ऑफ चिन, देन क्यूपिड बो एंड ब्रिज ऑफ नोज, इन जगहों पे मैंने अप्लाई किया। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे भी डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूंगी। ब्लेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेकअप में ब्लेंडिंग तो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगता है बट ब्लेंडिंग अच्छा होना चाहिए। देन इसे पैक करना है। पैक करने के लिए मैं यहाँ पे ये लैक्मे का लूज पाउडर का हेल्प ले रही हूँ एंड इसे इस तरीके से मैं जॉ लाइन के ठीक ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ और इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी एंड देन डस्ट आउट कर लूंगी कुछ इस तरीके से। देन मैं अगेन वही मार्च के पैलेट के हेल्प से ब्लैक शेड को लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। देन सेम पिंक शेड को जो क्रीज पे अप्लाई किया था उसे मैं अगेन लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड दोनों को ब्लेंड कर दूंगी। देन एक व्हाइट काजल की हेल्प से आईज के वाटर लाइन पे अप्लाई करूंगी हाफ एंड हाफ पे मैं काजल अप्लाई करूंगी आउटर कॉर्नर पे। देन ये मालियो के जेल लाइनर की हेल्प से मैं यहाँ पे लाइनर को भी अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। इसे बिल्कुल ही शार्प लुक दे रही हूँ मैं, आई लाइनर को स्मज नहीं कर रही हूँ बिल्कुल एंड आईज को बहुत ही अच्छा लुक दे देगा ये आई लाइनर। कॉन्टोर के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट यूज कर रही हूँ एंड इनके हॉल ऑफ चिक्स एंड जॉ लाइन पे मैं कॉन्टोर करूंगी। इसके अलावा मैं नोज पे भी कॉन्टोर करूंगी, बल्कि ज्यादा जरूरत नहीं है नोज पे बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्टोर करूंगी मैं नोज पे। ब्लश के लिए अगेन मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकन का ये पिंक शेड अप्लाई करूंगी। एंड एप्पल ऑफ चिक्स को रेड कर लूंगी या पिंक कर लूंगी। इसके बाद हाईलाइटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो मैं अगेन वेट एंड वाइल्ड का ये हाईलाइटर का हेल्प ले रही हूँ एंड इसे मैं चिक बोन्स, मिडिल ऑफ फोरहेड, मिडिल ऑफ चिन, क्यूपिड बो एंड ब्रिज ऑफ नोज, इन जगहों पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। आईज के इनर कॉर्नर पे भी जिसे हम टियर डक बोलते हैं उसे वहां पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड ब्लू हेवन के मस्कारा की हेल्प से अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज को कोट कर लेना अच्छे से एंड देन फेक लैशेज उसे भी अच्छे से हम लगा देंगे। एंड इसके बाद एक लिक्विड आईलाइनर की हेल्प से हम आईलाइनर पे अगेन लैशेज के एजेस पे अप्लाई करेंगे जिससे कि वो लाइन समझ ना आए लैशेज का। एंड यहाँ पे एक चॉकलेट शेड का लिप लाइनर की हेल्प से लिप्स के एजेस को फिल कर रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ। देन सेम चॉकलेट कलर की एक बुलेट लिपस्टिक की हेल्प से लिप्स को फिल करूंगी एंड देन ये पिंक शेड की हेल्प से पूरे लिप्स को फिल कर लूंगी। एंड ये लुक कंप्लीट ही हो चुका है, बस कुछ चीजें और बाकी है जैसे कि ये चंदन आर्ट जो बिंदी के साइड में करते हैं ये कंप्लीट कर लूंगी मैं, जिसे कालका भी बोलते हैं या अल्पना। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेकअप फिक्सर जो हेल्प करेगा मेकअप को फिक्स करने में, बहुत देर तक स्टे रखेगा तो इसे ड्राई होने देंगे। एंड देन फाइनल लुक रहा ये कुछ ज्वेलरीज एंड बनारसी साड़ी एंड दुपट्टा के साथ में, बिल्कुल कम्प्लीट है लुक गाइस। होप्स आप लोगों को अच्छा लगे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय माय मेकअप लवर्स।